मोक्ष और कुछ नहीं, एक परवाने का इश्क में मजबूर होकर क्षमा पर जल जाने की कहानी मात्र ही तो है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, उससे इश्क कोई दिलजोही या दिल्लगी तो नहीं, उस प्यारे की जिंदगी पर अपने आप को मिटाने की कहानी ही तो है। मोक्ष मार्ग अर्थात अपनी राख में से मोहब्बत की बगिया लगाना है। जब हम अपने प्रियतम को भूलकर भटक गए, हमारा उसमें वापस आ जाना ही इसकी परिणति है। जैसे एक नवजात शिशु पलने में पड़ा सुबुक सुबुक कर बिलकता है, गिड़गिड़ाते हुए पुकारता है, जो उसके प्राणों का प्राण और सांसों की सांस है उस जन्मदात्री के लिए, जो सृष्टि का आधार है, इसी आंचल की छांव में लौट आने के लिए। मोक्ष की इसी सनातन कथा और मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता को इन संदेशों में आप तक पहुंचाने के लिए पंडित धर्म प्रकाश शर्मा की सांसें, जो उस प्रियतम की धड़कन से जुड़ी हुई हैं, हमको पुकार रही हैं। देखो द्वार खुला है, शाश्वत क्षमा की रोशनी अभी जगमगा ही रही है। परवाना हो तो आए उस पर मर मिट जाने के लिए। तीर्थ गुरु पुष्कर के प्रधान पुरोहित के इस पुत्र को इसी आंचल की खोज थी, और जब वो मिला जो हम सब की प्राथमिकता है, आप सबको उसी में एकत्व व परम आनंद के लिए मोक्ष का यह मार्ग आज ही आप तक पहुंच सकता है। क्या आप सुन रहे हैं? तो आ जाइए। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों
वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों कर देखो, प्रभु का दिन आएगा, उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका